जूली, तुमने किलोमीटर तो बता दिए, लेकिन कौन सी जगह जाना है? उसका नाम तो होगा। क्यों नहीं, लिबनान का दूसरा बड़ा शहर है ट्रिपोली, यानी तुराबलस। शुमाली लिबनान का दारुल खिलाफा भी है। अपनी पुरानी तारीखी इमारतों, रोमन और खान मसाज के मराकस आज भी मशहूर हैं। ज्वेलरी, टेलरिंग, परफ्यूम्स और आला क्वालिटी के साबुन इसी शहर की शोहरत का बायस हैं। मोजज़ नासरीन, मैं हूँ सुंदस हयात। नावल शिकार की 14वीं किस्त आपकी नज़र कर रही हूँ। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। दरवाज़े की इत्तलाई घंटी बजते ही यूं लगा कि किंग और जूली की जान निकल गई हो। चंद लम्हे वो एक दूसरे को बुत बने एक टक देखते रहे, और जूली ने खुद के तासुरात पर काबू पाकर बाहर का दरवाज़ा खोला तो सामने नौरीन। हेलो, और मुस्कुराहटों की हल्की सी भिनक किंग के कानों में हथौड़े बरसाने लगी। वही हुआ ना, आखिर शैतानी क़ुव्वतें जीत गईं। उसकी सोच मोहमल नहीं थी, उनमें नमूदार होने वाली बिग बॉस की खासियत ना जाने क्या गुल खिलाएगी। उसे अपने जिस्म से जान जाती दिखाई दे रही थी। हेलो किंग, हाउ आर यू? यस, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नौरीन ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाल के किंग के हाथों में थमाया और कहा, ये बिग बॉस ने भेजा है। थैंक्स, कहते कहते किंग सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हांफते कांपते ऊपर मंजिल तक पहुँचा और फौरन लिफाफे को खोलते हुए उसके हाथों में अरताश बरपा हो रहा था। एक कपकपी सी वजूद में ऊद कर आई। जल्दी जल्दी तहरीर को पढ़ा तो जान में जान आई। अगला प्रोग्राम तहरीर करदा उसकी लिबनान में मजीद मुद्दत का आईना दार था। चलिए ये भी अच्छा हुआ, वरना खौफ की तलवार हर वक्त गर्दन पर वारद रहती थी। अब नौरीन के मुतालिक एक सोच और उभरी कि क्यों ना इसको मुकम्मल कब्ज़े में लिया जाए। लेकिन जूली के सामने अगर इजहार दिलचस्पी हुआ तो जूली पे क्या बीतेगी? यकायक वक्त ज़ाया किए बग़ैर वो नीचे आया और बड़े करोफर से खाने की मेज़ पर नौरीन को मदु किया। खाना खाते खाते किंग को ख़याल आया कि नौरीन की वापसी कब है, ज़रा पूछ तो लूँ। लेकिन जूली ने तमाम तर बात कह दी कि नौरीन की फ़्लाइट सुबह 5 बजे है। बॉस, मैंने इनसे कहा है कि डॉली का कमरा खाली है, वहीं आराम कर ले। बहुत अच्छा किया जूली, नौरीन हमारी मेहमान है और वैसे भी तुम डॉली की कमी महसूस कर रही हो। चलो, आज की रात तो खूब कट जाएगी। नौरीन ने तुम्हारी दावत कबूल कर ली है या नहीं? हाँ हाँ, नौरीन खुश है, सुबह सवेरे यहाँ से निकल जाएगी। जूली की बातों में खुद एतमादी थी। किंग दोनों को शब्बा खैर कहते हुए अपने कमरे की जाने चला गया। जूली और नौरीन एक दूसरे को जानती हैं, इसका मतलब नौरीन इससे पहले भी यहाँ आ चुकी है। ये मंगनी का दिन अपनी तमाम तर खुशियों से आ रहा है। अभी तक तो वक्त साथ दे रहा है और आगे भी इस वक्त को अज खुद सहारा देना होगा। किंग के ख्यालात में नौरीन की तस्वीर फिर से उभरी। चेहरे मोरे से तो लगती है कि हमदर्दी का पैकर है, ज़रूर मदद कर सकती है अगर चाहे तो, लेकिन दूसरी तरफ बिग बॉस के साथ इसके क्या ताल्लुकात हैं, इस पर भी गौर करना ज़रूरी है। खैर, इस वक्त तो ये खुशियों का पैगाम लेके आई है और हमारी हरकत और सकनात पर बिग बॉस को अभी तक पूरा पूरा एतमाद है। बस यही भरोसा अगर कायम और दायम रहे तो हम अपने मकासद में कामयाब व कामरान अपनी मनाजिल तय कर लेंगे।
जूली उसकी है, उससे जुदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किंग कल के प्रोग्राम में पूरी तरह खुद को समो रहा था। किस तरह खुशियों का अनमोल तोहफा जूली के हाथों सरंजाम पाएगा जब वो फर्त मोहब्बत से मंगनी की अंगूठी उसकी चौथी उंगली में पहनाएगी। दाएं हाथ की अंगूठे से चौथी इंगिश्त जिसका ताल्लुक दिल से होता है मोहब्बत की रुदात सुनाएगी, और उसका हाथ जो आज तक सूना सूना सा है भरा नजर आने लगेगा। खुशकिस्मती की इस अलामत को संभाल संभाल रखा जाएगा। जूली की माँ की सहेली कहाँ रहती है? अरसा दराज से जूली उसे मिल नहीं सकी। क्या वो जिंदा है? क्या वो उसी मकान में है? क्या वो जूली को पहचान सकेगी? लामुतनाही सवालात का तांता बंध गया। चेहरे के खुशबाश तासुरात बिखरने लगे। उनको मुंजमिद होने से बचाने का कोई तरीका नहीं। ये खदशात थे जिन पर पाबंदियां नहीं लग सकती थीं। आने वाले वक्त में क्या क्या तब्दीलियां रंग लाएंगी ये तो कुदरत ही बेहतर जानती है, लेकिन अपने बस तक जहां खुशियों का शुमार होता नज़र आता है उसकी हिफाजत की एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा तो ज़रूर होना होगा। किंग ने फिर से बिग बॉस की जानिब से आई तहरीर को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा। कहीं पैगाम जल्दी में पढ़ने से कोई ऐसा लफ्ज़ नज़र के धोखे में तो नहीं रहा जो ज़ू मायनी हो और उस पर तामील ना की जा सके। बार बार तहरीर पढ़ने से वही मनाजर, वही मकासद, वही अहकामात बैन ही नज़र आए। दिल को तस्कीन मिली और तसल्ली हुई कि बॉस की नज़र में हम अभी तक दुरुस्त राहों पर चल रहे हैं। अगले अहकामात आने तक हम सोना फरोख्त करके मज़ीद भरोसा मजबूत कर लेंगे और इतने में वक्त के साथ साथ अपनी राहें भी इस्तवार करते जाएंगे। इसका यहाँ तक आना कुदरत की राहों का तायुन है। इन राहों में हम सफ़र का मिल जाना भी उसकी नेमत का एक अनमोल तोहफा है। इस तोहफे की हिफाजत अगर उसके ज़िम्मे लगा दी गई है तो इस पर पहरा देना होगा। उसे किसी सूरत भी इस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसको गनीमत जानकर कुदरत के फ़ैसलों का शाकिर रहना होगा। जोड़े आसमान की बुलंदियों में तहरीर होते हैं और उनके नकूश इस ज़मीन में पाया तकमील तक पहुंचते हैं। माँ की दुआएं और उसकी ख्वाहिशात को बरकरार रखते हुए उसकी ज़िंदगी में ये तमाम तर खुशियों के फूल उसकी झोली में डालने होंगे। उसे भी तो इंतज़ार रहता है ना रात दिन। वो अपनी ममता भरी तमन्नाएं पूरी करने की एक उमंग लिए हमारा इंतज़ार कर रही है। वो माँ जिसने चाहतों के फूल अपने आंगन में बिखेरने की सही कर रखी है, उसकी एक एक बात को पाया तकमील तक पहुंचाने में उसे अनथक मेहनत करना होगी। वालदेन को उसकी अशद ज़रूरत है। इस घिनौने कारोबार में ये पाकीज़गी की ज़ामन तमन्नाएं दम तोड़ देंगी जिनका कोई सदेबाब ना हो सकेगा। ला महाला ये ज़िंदगी तबाह हो के रह जाएगी, तो क्यों ना आज ही से इस ज़िंदगी का रास्ता तब्दील कर लिया जाए ताकि आने वाले वक्त में ये एहसास बाकी ना रह जाए कि इस दुनिया में किस लिए आए थे। इंसानियत सोच ये अकदाम जो शैतानी ताकतें कर रही हैं उनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना होगा, वरना इसी जुर्म में लाजमी बात है कि सजावार ठहराया जाऊंगा। इससे बढ़कर कहीं जूली की ज़िंदगी को इस अजीरन ज़िंदगी से छुटकारा दिलाना भी कारे सवाब है। फिर क्यों ना वो कदम उठाया जाए जिससे सिरात मुस्तकीम का तायिन हो सके। किंग ने एक नज़र निचले माहौल को देखा तो नौरीन और जूली बदस्तूर अपनी बातों में महफ थी। एयर होस्टेस है
आखिर दुनिया भर की बातें कर रही होगी। दोनों की मुस्कुराहटें बराबर अच्छे तासुरात फैला रही थी। जूली की नज़रें किंग से दो चार हुई। यस बॉस, चाय कहवा या कोई और खिदमत? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपसे इतना ज़रूर कहना है कि जब नौरीन जाने लगे तो मुझे ज़रूर बेदार कर लेना। ठीक है बॉस। के साथ ही किंग ने ख़ुद को वहाँ से हटाने में ही बेहतरी समझी। वो फिर से सोफे पर विराजमान हो गया। अगरचे उसका ये कदम बुलंदी से नीचे देखने का अजीब था, लेकिन किस खूबी से जूली ने उसे निभाया। कम अज़ कम नौरीन को जाते वक्त उसे अलविदा भी तो कहना होगा, ये भी अच्छा ही हुआ। लिबादाए शब तन जेब किए वो बिस्तर पर पहुंच गया तो नींद का दूर दूर तक कोई वास्ता दिखाई ना दिया। करवटें बदल बदल के इस तरारी हालतों को तह बाला करने की नाकाम कोशिशों में वक्त की सुइयां बदस्तूर चली जा रही थीं। वक्त अपनी डगर पर कारबंद रहता है, एक वक्त ही तो है जो अपनी रफ्तार को बदस्तूर चलाता रहता है। इसमें बहुत से तगयुरात आते हैं, बहुत सी अशिया की साख्त बदल जाती है। सूरज ही को ले लें, पहली किरणों के साथ ही बतदरीज अपनी साख्त में कुवत भरता है और वक्त का तयन हो जाता है। सरे शाम उसकी शुआएं तमाम दिन का सफ़र तय करते हुए बिलाखिर शफक की सुर्खी में मदगम हो जाती हैं। फिर चांद सितारों की दास्तान छिड़ जाती है। वक्त इनके साथ भी अपनी मनाजिल तय करता है, कहीं रुकता नहीं। इंसान अगर इंसान रहे तो वक्त की अकदार पर गिरफ्त मजबूत रहती है, और अगर शैतानियत पर उतर आए तो वक्त का धारा उसकी तारीख में बुराई लिख देगा। आज का दौर, जिसे दौरे जदीद से मंसूब किया जाता है, दुनिया भर के सुकून की तबाही पर तुला हुआ है। न जाने कब किसी वक्त भी क्या हो जाए। बचपन से लेकर अब तक वो अबतरी और बेचैनी का शिकार रहा। वो माफिया का बिग बॉस बनना चाहता था, लेकिन जब से जूली का साथ मिला है वो सब कुछ खैर बात कहते हुए एक आम इंसान की ज़िंदगी बसर करना चाहता है। सिर्फ इस ख्वाब की ताबीर के लिए अब वो शब रोज़ कोशा रहेगा। ना जाने हालात और वाकयात का धारा उसे कहां से कहां ले जाए, लेकिन उसकी पूरी कोशिश होगी कि इस माहौल से तरके ताल्लुक कर ले। वो फिर से सोफे पर आ गया और नीचे से अभी तक मीठी मीठी चैमगोइयां उसकी समाज से रसाई कर रही थी। यकीनन उनकी मुलाकातें पहले भी इसी तरह की होंगी, तभी तो बातों को तूल दिया जा रहा है। लेकिन मौजू बहस है क्या? ये एक ख्याल था जो उसकी नींद में खलल डाल रहा था, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी, बॉस जो ठहरा। नौरीन और जूली के पास बैठकर खुशगपियों में शामिल होना उसकी हैसियत से अलग था। वो अपना फ़र्क नुमायाँ रखना चाहता था, ताकि हर किसी को इल्म रहे कि उसकी हैसियत इस गैंग में क्या है। लानत है इस गैंग पर जो एक दूसरे को अलग अलग हैसियतों में रहने की तरगीब देते हैं। वो बिस्तर पर जाने से बेहतर इस सोफे पर दराज होने को तरजीह देता, लेकिन फिर वही कैमरे और हैसियत का बरतर होना आड़े आ रहा था। दिल तो चाहता है कि जूली की मीठी मीठी सी आवाज़ उसके कानों में आती रहे, लेकिन मजबूरन उसे बिस्तर पर ही जाना होगा। कहीं भी एक पल चैन नहीं आ रहा था। तकिए को सर पर हाथों में दबोचे वो कोशा रहा कि नींद की देवी ने मेहरबानी कर दी और वो ख्वाबे इस्तराहत में गुम हो गया। सारे दिन की सोचों के ख्वाब भी हकीकत पर मबनी होते हैं। वही सफ़र, वही दिल की उमंग
वही चाहतें, मंगनी की रसूमात एक एक करके फिल्म बामे उरूज पर पहुंच रही थी। खतरात का दूर नज़द कोई इम्कान नहीं था, बस खुशियां ही खुशियां थीं। दूर कहीं से मुबारकबाद के पैगामात वसूल हो रहे थे। वो उम्मीदें जो इसके और जूली के साथ वाबस्ता हो गई थीं, उनकी मुबारकबादें आ रही थीं। वो ख्वाब में जूली के साथ दुनिया की सैर व सयाहत पर चल निकला। एक से बढ़कर एक अच्छा तज़करा ज़िंदगी के अनमोल लम्हात का चलता रहा। बिलाखिर अपने वतन रवाना होने की बारी आई तो ख्वाब टूट गए। किंग हड़बड़ा के उठा और जमाई लेते हुए सोच में पड़ गया, क्या ये बदशगुनी है? अच्छा खासा माँ बाप के रूबरू जा रहा था। वक्त पर नज़र पड़ी, सुबह के 3 बज रहे थे। जूली के सीढ़ियों पर आने की आवाज़ कानों में रस घोल रही थी। किंग ने दम साध ली। बॉस उठें, नौरीन जाने वाली है। लेकिन बॉस तस से मस नहीं हो रहा था। वो भूल गया कि कैमरे की आंख उसकी बेतौजी को रिकॉर्ड कर रही है। जूली ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किंग ने जवाब दिया, हाँ हाँ तुम चलो नौरीन के पास, किंग कपड़े बदल के पहुँच जाएगा। जी बेहतर, चाय बनाऊँ? हाँ हाँ बनाओ भाई, कह दिया ना कपड़े बदल लूँ। ठीक है बॉस, कह के जूली फौरन वापस चली गई। किंग ने फौरन कपड़े तंजे किए और नीचे की राह ली। सबाह अल खैर की मुस्कुराहटें चेहरे पर आया थे। सुबह का नाश्ता अगर अभी से शुरू हो गया है तो जूली नाश्ते के वक्त दोपहर का खाना खाना पड़ेगा। जूली की हंसी निकल आई और हंसते हंसते वो नौरीन को तर्जुमा करके बता रही थी कि उसके कह कहे भी माहौल को खुशगवार बना गए। जूली, हम नौरीन को एयरपोर्ट तक छोड़ आएं, तुम्हारा क्या ख्याल है? ओह नो, मुझे अकेला जाना है। हाँ हाँ समझ आ गई है, इतना ही काफ़ी है। बॉस टैक्सी थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाली है, जो इसे यहाँ छोड़ गया था वही टैक्सी वाला इसे एयरपोर्ट ले जाएगा। आपके जाने के बाद हम बातों में इतनी मशगूल हो गई कि नींद का झोंका तक नहीं आया। मुद्दतों की शनासाई है हमारी और दुनिया भर की बातें नौरीन बड़े मज़े ले लेकर सुनाती है, बहुत खुश दिल है। क्या कह रहे हो? नौरीन ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। क्या कह रहे नहीं, क्या कह रही हो? आई एम नॉट बॉय। ओ समझ गई, हाँ यूँ बोला करो, ठीक है। इत्तलाई घंटी बजने वाली है बॉस, टैक्सी के रुकने की आवाज़ आ रही है। बज लेने दे घंटी, देखते हैं तुम्हारे कानों के पर्दे कहाँ तक दुरुस्त हैं। लो बज गई घंटी, उठो दरवाज़ा तो खोलो, इसे अंदर बुलाओ, नाश्ता कर ले। ओ नो, नाश्ता? टैक्सी वाला आउट। हाँ समझ गया हूँ, चलिए हम आपको गुड बाय कहते हैं। नौरीन अपने हाथों की नर्म व नाजुक उंगलियों को अरदास देकर खालिस्तन एयर होस्टेस के अंदाज में खुदा हाफिज़ कहते हुए टैक्सी में सवार होकर अपनी राहों पर चल निकली। और किंग घर में दाखिल होते हुए जूली को कह रहा था के बॉक्स को अगर एक बार फिर चेक कर लो। जूली के तासुरात मायनी खेज थे। ठीक है चेक कर लेती हूँ, चाबी तो मेरे पास ही है। बस बस रहने दो, कुछ भी नहीं है पोस्ट बक्स में। जो पैगाम आना था वो नौरीन के हाथ आ चुका है, अब तुम भी तैयारी पकड़ो। आज दूर दूर की मार्केटों का भाव ताव का अंदाज़ा करते हैं, ये ज़रूरी नहीं जहाँ सोना हम पहले फ़रोख्त करते आए हैं उसी को दें, जो कोई तेज़ भाव लगाएगा उसे फ़रोख्त कर देंगे। बस यूँ समझ लो अभी 4 बजे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे घर से निकल जाएं तो बेहतर है। ठीक है बॉस, मैं बावर्ची खाने के बर्तन संभाल लूँ, फिर कमरे में जाकर के कपड़े बदल लेती हूँ, ठीक 5 बजे हाज़िर हो जाऊँगी।
किंग बादल नखास्ता वहाँ से हट गया और अपने कमरे की राह ली। सोचों का ना टूटने वाला सिलसिला हर लम्हे उसका पीछा कर रहा था। आज अगर नौरीन के हाथ वसूल होने वाली बिग बॉस की तहरीर में ये लिखा होता कि फिल फॉर नौरीन के साथ वापस आ जाओ, तो क्या हाल होता? क्या वो इस पोजीशन में था कि इनकार कर सकता, और इनकार की सूरत में क्या खुमियाजा भुगतना पड़ता? इससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। कितना कमज़ोर था वो, दूसरों के हाथों कठपुतली की तरह नाचने वाला बेजान खिलौने की मानिंद, दुनिया पर राज करने वाले नाम नहाद खुदाओं की शैतानी तालीमात पर अमल पैरा होने वाला बुजदिल शख्स, इस मजबूरी की आहनी जंजीरों में जकड़ा हुआ बेआसरा और बेसरोसमा कैदी, अपनी ज़िंदगी की अनमोल आज़ादी को बड़े सस्ते दामों वो फरोख्त कर चुका था। जिससे पूछो बिग बॉस कौन है, क्या तुमने उसे देखा है, कभी आमने सामने बातचीत हुई उससे, हर कोई चुप साध लेता है और ये ही कहते सुना जाता है कि अहकामात तो उसके जारी होते हैं, लेकिन इन अहकामात पर अमल पैरा होते हुए दिली ख्वाहिश रहती कि ऐ काश उससे एक बार मुलाकात हो जाए। लेकिन नदारद, बातचीत तो क्या एक झलक तक नहीं देखी किसी ने, बस एक शख्सियत है जो उसके आसपास दिखाई देता है और इसी के ज़रिए तमाम तर पैगाम रसानी का अमल जारी वसारी रहता है। ये बिग बॉस बग़ैर किसी से बातचीत किए अपनी सोचों में मगन, किसी की दखल अंदाजी या मुशावरत का आदी नहीं। हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात, हर कोई मुतहरिक रहता है, बस एक ही धुन सवार रहती है काम करने वालों पर भी कि हर शाम एक दूसरे का मुहासबा हो जाता है, और दूर दराज काम करने वालों पर भी कड़ी गिरफ्त होती है, क्या मजाल कोई गलती कर जाए, इस गिरोह को छोड़ने वालों की गर्दन मार दी जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती कि बगावत करने वाले का वजूद कहाँ गायब हो गया। जूली एक ऐसे सफ़र पर गामजन थी जो याद माजी को हाल में मुंतकिल करके यादाश्त को मजबूत कर रही थी, बस थोड़ी ही देर में अपने आइडियल को लेकर इस कैद खाने से निकल जाऊंगी, आज़ाद फिजाओं की कैफियत तारी होगी, वो अपनी माँ की कब्र पर भी जाएगी, माँ की सहेली से सब कुछ कह देगी, बैरूत से त्राबलस 85 किलोमीटर का रास्ता एक ही जस्त में फलांगने की उमंग मचल उठी। यहाँ से सुबह पहला स्टॉप, फिर गाजीर, हालात, मनसफ, अलबत्रोन, वदा और फिर अहाबी आया तो हम त्राबलस पहुँच जाएंगे। नए अज़्म, नई नई रौनकें, ज़माने भर की खुशियाँ हमारी मुंतज़िर होंगी। अपने हमदम के लिए अंगूठी का इंतखाब त्राबलस के मरकज़ में सबसे बड़ी दुकान से करेंगे। हमारा शहर लिबनान का दूसरा बड़ा शहर है, जो कि शुमाली लिबनान का दारुल खिलाफा भी है। कितनी बार डॉली ने कुरेदने की कोशिश की, लेकिन अच्छा हुआ मैंने बताया नहीं कि मेरी माँ कहाँ की है और मेरी जाय पैदाइश कहाँ हुई। यही ना, बेरूत में मेरा जन्म हुआ, इसके आगे और कुछ भी नहीं। मैं एक यतीम हूँ, ममता का प्यार नहीं मिल सका, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। इस राज से पर्दा नहीं उठा और आज यूं लग रहा है कि ये सब कुछ हमारी बेहतरी के लिए है। अपनी ज़िंदगी के हर राज को दूसरों तक पहुंचाना बहुत नुकसानदेह होता है। हम पे तरस खाकर ये नौकरी दी गई है और आज तक जो कुछ हमने कमाया है वैसा का वैसा बैंक में महफूज है। ये हलाल की रोज़ी यकीनन हमारी मददगार होगी। वो अलग बात है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं उनका कारोबार सरीहन गलत बुनियादों पर है,
लेकिन शबो रोज़ की हमारी मेहनत की कमाई से हम छोटा मोटा कोई कारोबार कर लेंगे, ताकि इन ख़तरात से ख़ुद को इतना दूर ले जाएं कि फिर कोई हमको इस्तेमाल न कर सके। अलमीना यानी तुराबलस की बंदरगाह के करीब नौरी की आबादी और लोग रिहाइश पज़ीर हैं। वहीं मेरी माँ की सहेली हमारे मकान में रहती है, जो कि मेरी माँ ने ख़रीद कर अपनी सहेली के नाम करवा दिया था, और वसीयत में तहरीर है कि वो मकान मेरा है, हाँ हाँ अपना है। कब्रिस्तान बाबुल मरमल में मेरी माँ मुझे वहाँ देखकर कितनी खुश होगी। एक अरसा हुआ है मिले हुए, बस यादें ही यादें हैं। अब वक्त करीब आन लगा है कि ज़िंदगी किस मकसद के लिए है हम भी देख लें। मान घड़ी पर नज़र पड़ी तो याद आया कि ख्यालों में वक्त कितना गुज़र चुका है। जल्दी जल्दी उसने लिबास तब्दील किया, हल्का हल्का मेकअप करके एक नज़र माँ की तस्वीर पर डाली और चेहरे पर मुस्कान लिए तहखाने से होते हुए ऊपर की मंजिल पर मुकीम किंग को इत्तला देने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी कि किंग ने आवाज़ दी, जूली नीचे आ रहा हूँ। ठीक है बॉस, के साथ ही पांव फिर से नीचे की जाने मुहर्रिक हो गए। किंग ने भी ख़ुद को दूल्हा की तरह संवारा, और जब नीचे आके एक दूसरे का सामना हुआ तो बहार में खिले फूलों की तरह रंगते चेहरों पर नुमाया हो गए। वो ज़्यादा देर तक इस माहौल को बरकरार रखने से कासिर थे, क्योंकि हर तरफ खतरात मंडला रहे थे। जूली, दरवाज़े सब बंद करके चेक करके आई हो ना? हाँ जी। तो फिर चलें, तैयार हो? यस बॉस, बिल्कुल तैयार हूँ। अगर कोई चीज़ साथ ले जानी है तो बता दें। इस वक्त तो सबसे ज़रूरी है कि चला जाए और दूर दराज की मार्केटों को भी देखा जाए। जी बेहतर, आए कदम बढ़ाएं, मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। हस्पे प्लानिंग, वो दोनों कैमरों की हदूद को पार करके एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, और किंग ने पूछना शुरू कर दिया कि प्रोग्राम क्या है। जी मैं जो कुछ भी है जल्दी जल्दी बता दूं बॉस, अब थोड़ा सा और आगे चलते जाएं। मैं अब कुछ बताती हूं, यहां से 85 से 90 किलोमीटर का फ़ासला हमें तय करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मैं टैक्सी बदलना चाहूँगी बदलते जाइएगा। एक ही टैक्सी इसलिए मंजिल तक ले जाना नहीं चाहती क्योंकि हम लोग दूसरों की नज़रों में ना आ जाएं। आज हर हाल में ख़ुद को दुनिया की नज़रों से बचाना होगा। जूली, जो तुमने किलोमीटर तो बता दिया, लेकिन कौन सी जगह जाना है इसका नाम तो होगा? क्यों नहीं, लिबनान का दूसरा बड़ा शहर है त्रिपोली यानी तुराबलस, शुमाली लिबनान का दारुल खिलाफा भी है। अपनी पुरानी तारीखी इमारतों, रोमन और ख़ान मसाज के मराकज़ आज भी मशहूर हैं। ज्वेलरी, टेलरिंग, परफ्यूम्स और अलग क्वालिटी के साबुन इसी शहर की शोहरत का बायस हैं। अब बाकी मानदा तमाम सैर व सयाहत इस मार्केट में सोने चांदी के भाव आप खुद वहाँ जा कर देख सकते हैं। हाँ, मैं आपकी गाइड ज़रूर रहूँगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है, बेहतर है वक्त ज़ाया किए बग़ैर टैक्सी ले ली जाए। बस आप टैक्सी वाले को हाथ दें, बाकी बात मैं खुद कर लूँगी। लो ये रही टैक्सी।